आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान को भांग प्रिय है, शिवजी नशा करते हैं, या लोग बाग चिलम दिखा देते हैं, चिलम पीते हैं, पर शिव महापुराण की कथा में कहीं ऐसा चरित्र नहीं आया कि हमारे हिंदू धर्म के कोई भी देवी देवता कोई नशा करते, पुराणों में नहीं। हाँ, शिव नशे से मुक्त करते हैं। किससे मुक्त करते हैं? नशे से मुक्त। शंकर नशा मुक्त करते हैं। जैसे तंबाकू का सेवन करने वाले होते हैं और वो तंबाकू नहीं छोड़ पाते, आप कितना ही प्रयास करो उनके लिए, आप बहुत बोल लो, झगड़ा कर लो, और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने झगड़ा नहीं करा होगा, कि उसके लिए नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। कौन से महादेव का करना है? नीलकंठेश्वर महादेव महाराज, बेलपत्री की छाल या बेलपत्री की जड़, इसको घिस कर इसका चंदन तैयार कर लीजिए। चंदन बनाने के बाद में इसकी गोलियां बना लीजिए, गोली बनाकर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में सात स्थान पर उसको रख दीजिए। नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करिए नशे से मुक्त करने के लिए। ये तंबाकू वालों के लिए आज विशेष वर्णन है, ध्यान दीजिए, और मुझे लगता है बहुत आनंद की अनुभूति होगी राष्ट्र को संवरने में, बहुत आनंद की अनुभूति होगी। आप जो गोलियां बनाए हैं चंदन की, बेलपत्री की जड़ या बेलपत्री की छाल की, वो रख दें महाराज, नीलकंठेश्वर महादेव का स्मरण करें। सात गोलियां सात दिन जो तंबाकू खाता है उसको दे दें महाराज, सुबह के समय पर वो गोली मुख में रखें, आप देखेंगे धीरे धीरे तंबाकू से नफरत उत्पन्न होने लगती है, तंबाकू मुख में नहीं रख पाएगा। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सियोर वाला महाराज झूठ बोल रहा होगा, तो इसलिए आप प्रयास करिए, बाबा पर विश्वास कर कर प्रैक्टिकल करने का प्रयास करिएगा, बाबा चाहेगा तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी अलमस्त जिए, यही शिव महापुराण की कथा कहती है। नीलकंठेश्वर महादेव साधारण महादेव नहीं है, नीलकंठेश्वर।